कर दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगेन सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ई पास से रिलेटेड है। जो भी लोग ई पास के लिए रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो किसी सिटी टू सिटी है इन द स्टेट या फिर किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ई पास का सेंट्रल गवर्नमेंट वर्जन आ गया है। वर्जन को आप इतना उसमें ना लें। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ई पास देना स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लग रही है, इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठें। मसलन आपको आधार कार्ड रखना होगा, आपके गाड़ी के लाइसेंस, आपके गाड़ी का नंबर, अगर आप ड्राइवर लेके जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं वो बताना पड़ेगा, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। आफ्टर दैट आप कितने लोग जाने वाले हो और कितने लोग आने वाले हो, उससे भी रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि इतने लोगों को ही आना और जाना है, वो भी अप्लाई होगा। सो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। सभी जो भी आपके गाड़ी के कार्ड कागज़ हैं, इंश्योरेंस है और आधार कार्ड है, लाइसेंस है ड्राइवर के, जो भी ड्राइव करेगा उसका लाइसेंस, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगेगी। यूजली आप अगर पहले ई पास के लिए अप्लाई कर चुके हैं और नहीं हुआ है, एट दैट टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ई पास सिस्टम है, ये उससे आप लगभग 17 राज्यों के लिए ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे दी हुई लिंक पे जाएं और सभी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद यूजली एक या दो दिन में आपके पास उसकी परमिशन आ जाएगी। रिजेक्ट हुआ या फिर मिला या जो भी है अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। तो अगर आप दूसरे राज्यों में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं और बिकॉज बहुत ज़्यादा रश है स्टेट के एजेंसीज में ई पास देने में, या फिर कोई और दिक्कत आ रही हो, तो आप इसके थ्रू जाके ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 17 राज्यों के लिए ई पास इशू कर रही है ये वेबसाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ट्रस्टेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही इशूड है। सो जिसको भी अगर ई पास की ज़रूरत है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगेगी, सो कीप रेडी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। धन्यवाद बहुत बहुत। ट्राई करें कि कम से कम इधर उधर मूवमेंट करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना होने पे ना जाएं, क्योंकि वायरस फैलने का खतरा धीरे 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 ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है लोगों का। तो इसीलिए जो बहुत ज़रूरी आपका काम हो उसी के लिए इधर उधर, अदरवाइज घर पे ही रहें, सुख ही रहें। धन्यवाद।